हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम आपको बताएंगे कि रोटा इवा पोरेटर जो होता है वो उसका काम क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें हमारा एक रिएक्शन लगा हुआ था जिसमें कि हमने पीटी लिया था। पीटी मान लो कोई सबस्ट्रेट है और उसमें हमने क्या लिया था, थोड़ा सा हमने मॉर्फिलिन लिया था, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना था ना वो इसमें था, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कुछ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट को उड़ाने का काम करता है रोटा इवापोरेटर, ठीक है, इसका रोटा शॉर्ट में नाम बोलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि आपको सॉल्वेंट को कैसे उड़ाना है, तो ये मशीन है, आप देख रहे हो ये चल रहा है अभी। तो इसमें लिक्विड था, ठीक है, सॉल्वेंट था, DCM हमने डाला था। क्योंकि आप कहोगे DCM क्यों डाला था, तो देखियो आप इस रिएक्शन पे फोकस मत करो, बस समझो बात क्या है। हमारा जो प्रोडक्ट था ना वो DCM में सॉल्युबल था, DCM एक सॉल्वेंट है, तो हमने DCM को क्या करना था, उड़ाना था सॉल्वेंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, देखो 57 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे ये है RPM है, मतलब ये जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट करने की स्पीड बताता है। तो हमने, और यहाँ से ये वैकम होता है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हल्का हल्का वैकम देते हैं ताकि हमारा ये बम्प ना करे, ठीक है। तो ये इसका यूज करके हम सॉल्वेंट को उड़ाते हैं और अपना प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करते हैं। देखो प्रोडक्ट अभी सॉलिड फॉर्म में है, दिख रहा है सॉलिड फॉर्म में, पहले लिक्विड था, धीरे, और ये वाटर जो है ना ये हीट है ना, बॉयल कर रहा है वाटर, मतलब थोड़ा सा गर्म है, ऑलमोस्ट देख लो इतना गर्म है कि हाथ इसमें हम रख सकते हैं थोड़ा सा। तो हल्का हल्का टेम्परेचर से रोटेट करके सॉल्वेंट उड़ जाता है, और सॉल्वेंट जो उड़ता है यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि अगर आपके पास सॉल्वेंट है तो आप कैसे उड़ा सकते हो, तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है। आप कोई कहेगा सर इसको हम डायरेक्टली बॉयल कर देना तो नहीं उड़ जाएगा, तो हाँ उड़ जाएगा, पर थोड़ा सा जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना वो इधर उधर हो सकता है, कॉन्टामिनेट हो सकता है, ठीक है ना, इम्प्योरिटी आ सकती है। तो आप ये चीज़ें याद रखना। तो ऐसे करते हैं, इसको चलाते कैसे हम आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको ये यहाँ पे है, दिख रहा है, इसको हम ऊपर कर लेंगे, देखो ऊपर कर लिए हैं, ठीक है, वो ऊपर हो गया, और नीचे कर लोगे तो ये देखो नीचे करके दाब दोगे तो ऐसे पानी में हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम ये RB जो है ना, राउंड बॉटम फ्लॉक्स, इसको ये अलग से लगाते हैं, और ये अडाप्टर है, तो हम इसको इसमें सेटअप करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और टाइट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको पकड़े रहते हैं ऐसे जब तक यहाँ से, और यहाँ पे आप देखो दिख रहा है थोड़ा सा होल होगा, ठीक है, यहाँ पे होल है, इस होल को अभी तो ये मान लो पूरा बंद है, दो होल हैं, एक यहाँ से है एक यहाँ से, तो हल्का सा होल खोलेंगे ताकि हवा आता रहे, चिप चिप करके हवा आती रहेगी ताकि वैकम क्रिएट हो सके और ये पकड़ बना सके, नहीं तो ये गिर नहीं जाएगा पानी में। तो ये पकड़ बना लेगा तो हम छोड़ देंगे और यहाँ से फिर स्टार्ट कर देंगे इसे, और ये नीचे कर देंगे और ये घूमने लगेगा। तो कुछ देर में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो सॉल्वेंट DCM होगा या मेथेनॉल होगा जो भी होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सॉल्वेंट उड़ाने का प्रोसीजर, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।